नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर आज हमारा ये लास्ट सेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। आज जो हम सेशन लेने वाले हैं वो डिविजिबल बाय सिक्स, यानी कि ऐसे नंबर जो कॉमनली मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए, इस डिविजिबल बाय सिक्स, तो डिविजिबल बाय सिक्स कैसे सॉल्व करें? इफ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सिक्स। जो नंबर दो से एंड तीन से, दोनों से डिवाइड होता है, वो नंबर छः से भी डिवाइड होता है। सो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय सिक्स, तो यहाँ पर दो नियम क्या है? द नंबर शुड एंड विद एन इवन डिजिट और ज़ीरो। जब भी हमने देखा है दो की डिविजिबिलिटी रूल्स में, वो नंबर जो है दो, जो भी नंबर दो से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है या ज़ीरो से डिवाइड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें उसका जो सम ऑफ डिजिट जो है, अगर कोई नंबर का सम ऑफ डिजिट तीन से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी तीन से डिवाइड हो जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, सिक्स कैसे बना? टू टू इंटू थ्री बना। तो ये आपको दोनों नियम जो हैं, ये दोनों नियम जो हैं आपको यहाँ पर लागू करने हैं। ये दोनों नियम यहाँ पर लागू करने हैं, जो नंबर दो से डिवाइड हो वो, जो नंबर तीन से डिवाइड हो वो। ये दोनों नियम आप एक साथ लागू करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ, देखिए 5424, देखिए ये क्या नाम, आपको सवाल पूछना है क्या ये नंबर दो से डिवाइड होता है? यस। क्या ये नंबर तीन से डिवाइड होता है? तो देखिए, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। यस, ये नंबर 15 इसका सम ऑफ डिजिट हो रहा है और ये नंबर तीन से डिवाइड होगा। तो जो नंबर दो से भी डिवाइड हो रहा है और तीन से भी डिवाइड हो रहा है, वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। अब 158 देखते हैं। 158, क्या ये नंबर दो से डिवाइड हो रहा है? यस। क्या ये नंबर तीन से डिवाइड हो रहा है? देखते हैं। 5 और 1 6, 8 प्लस 6 14, यानी कि 14 हो रहा है। ये नंबर तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर दो से और तीन से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब ये तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर छः से डिवाइड भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों नंबर यहाँ पर होने चाहिए, दो से भी डिवाइड होना चाहिए और तीन से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये नंबर छः से डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार 1 8 1 सॉरी 1 8 3, तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो ये तीन से डिवाइड हो रहा है। यस, ऑफकोर्स ये नंबर तीन से डिवाइड हो रहा है, बट क्या ये नंबर दो से डिवाइड हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है केवल ये पहला जो एग्जाम्पल है, ये नंबर छः से डिवाइड हो रहा है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? होप्सो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिविजिबल बाय 12। अब डिविजिबल बाय 12, अब डिविजिबल बाय 12 में क्या होता है? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये क्या हो रहा है? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 12 होता है। तो जो नंबर चार से डिवाइड हो, जो नंबर तीन से डिवाइड हो, वो नंबर 12 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर चार का डिविजिबल रूल और तीन का डिविजिबल रूल, ये दोनों लागू करने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एंड द लास्ट द सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3। ये दोनों नियम यहाँ पर एक साथ लागू करने होंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये जो 2 4 3, इसके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में बता दिया है। आप आई बटन पर दबाइए, आपको मिल जाएगा ऊपर जो है वहाँ पर, आपको ये सब जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान देते हैं आगे। देखिए यहाँ पर है 1 3 1 1 2 4, क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होता है? तो सबसे पहले चेक कीजिए, क्या ये नंबर चार से डिवाइड होता है? तो लास्ट के दो डिजिट चार से डिवाइड हो रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स हो रहे हैं। क्या इसका सम ऑफ डिजिट तीन से डिवाइड हो रहा है? तो 7 और 3 10, 12 12 8 2 14 14 एंड 14, 14 प्लस 4 यानी कि 18। यस, ये नंबर जो है तीन से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो है डिविजल बाय 12 हो रहा है। होप सो क्लियर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 15। डिविजिबल बाय 15, जो नंबर तीन से एंड पाँच से दोनों से डिवाइड हो, वो नंबर 15 से डिवाइड होता है। इसके लिए आपको एक साथ ये दोनों नियम लागू करने पड़ेंगे। उसी प्रकार डिविजिबल बाय 18, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, वो 18 से भी होगा। तो बहुत ही आसान था ये भी।
आपको एक साथ ये दोनों रूल्स अप्लाई करने हैं। देखिए आप जो हैं हमारा अर्लियर लेक्चर डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लो तो उस पर आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड डिविजल बाय 14, अब देखो डिविजल बाय 14 कैसे होता है, 7 × 2, तो 7 × 2, तो जो नंबर 7 से डिवाइड हो और जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो वो नंबर क्या होगा, वो 14 से डिवाइड होगा। तो जस्ट सिंपल यहाँ पर 7 का ऑस्कुलेटर आपको बताना होगा, तो 7 का ऑस्कुलेटर है 5 n − 2। आपको याद आया इससे पहले जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स लिए थे उसमें ये नियम मैंने डिस्कस किए थे। उसी प्रकार अगर हम 21 की बात करें तो 21 में क्या होगा, जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 में क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, और 7 में क्या होना चाहिए, ऑस्कुलेटर बेस। तो ऐसे नंबर जो है वो 21 से डिवाइड होगा, और 14 से डिवाइड करना है तो 5 n 2, 5 n 2 यहाँ पर ऑस्कुलेटर हमारा सर्च करना है। यानी कि जो भी नंबर 7 के मल्टीपल में हैं, जो भी नंबर 7 के मल्टीपल में हैं उसमें हम क्या करेंगे, ऑस्कुलेटर होना चाहिए +5 या −2। इससे हमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग डिजिट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिस हिसाब से हमने ऑस्कुलेटर लिया है, एंड वो नंबर इवन है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो जस्ट सिंपल है, आई सजेस्ट यू दैट यू कंक्लूड द रिजल्ट वेन एवर यू फाइंड द डिविजिबिलिटी बाय द गिवन नंबर इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जस्ट सिंपल है, जब भी आपको आपको मालूम पड़ गया कि ये नंबर जो है पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो हमें सीधा ही डिवाइड करना शुरू कर देना है। देखिए यही चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो हैं इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपका डिविजल पक्का हो जाए। तो बहुत ही आसान था। देखिए अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, आपको जो है नीचे एक्सरसाइज दी गई है, ये रही एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स। ये जो एक्सरसाइज है आपको ख़त्म कर देनी है आज के आज, पॉसिबल ऐसा कीजिए कि आप आज के आज ख़त्म कर दें। थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज के हाईलाइट दिखा रहा हूँ, आपको केवल यस और नो मार्क करना है। तो हर एक डिविजिबिलिटी रूल्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका डिविज़न पक्का हो जाए। एंड नीचे आंसर भी दिए गए हैं, और आपको अब क्या करना है ये आप भली भांति जानते हो। आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। जो भी बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो हमारी मैथ्स की इस प्रकार सीरीज़ देखिए, तो आपका मैथ्स बाय डिफ़ॉल्ट पक्का हो जाएगा। आप इसकी चिंता ना करें, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।